अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बीकन गांव में 14 फरवरी के दिन लगातार 8 वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन लक्ष्य परिवार द्वारा किया जा रहा है। खरगोन जिले की तहसील बीकन गांव में स्थानीय टंट्या मामा भवन में लक्ष्य परिवार के रक्तदान शिविर का आयोजन किया। उल्लेखनीय है कि लक्ष्य परिवार 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के विगत 8 वर्षों से लगातार रक्तदान शिविर लगा रहा है, जिसमें स्थानीय युवा बढ़ चढ़कर रक्तदान करते हैं। वहीं कपल डोनरों में भी उत्साह देखा गया है। आयोजन समिति द्वारा कपल डोनर्स को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। विगत 8 वर्षों से लगातार लक्ष्य परिवार व अन्य संस्थाओं के साथ हम यहाँ पे 14 फरवरी को रक्तदान शिविर लगाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य थैलेसीमिया और सिकल सेल्स के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क रूप से रक्त उपलब्ध हो सके। अभी मैं बताना चाहूँगा कि जिला अस्पताल में रक्त की हमेशा कमी रहती है, ये छोटे छोटे कैंप के माध्यम से ही हम यहाँ पर रक्त कोष में जमा कराया जाता है और उन मासूम बच्चों को रक्त उपलब्ध कराया जाता है। विगत 8 सालों में हमने कैंप के माध्यम से लगभग 2500 यूनिट रक्तदान कर चुके हैं और लगभग बिकनगांव नगर और नगर के आसपास में 9000 से ज़्यादा लोगों का रक्त परीक्षण करवा चुके हैं। अभी फ़िलहाल में आज 2 बजे तक लगभग 65 यूनिट रक्तदान अभी तक हो चुका है। पिछली बार आपने शहीदों के सम्मान में रक्तदान शिविर लगाया था, इस बार क्या उद्देश्य रहा आपका? नहीं, शहीदों के इसमें आज भी है, हमेशा है। 14 फरवरी को हम रक्तदान दिवस के रूप में बनाए जाते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। नगर के युवाओं से क्या उम्मीद रखना चाहेंगे रक्तदान शिविर को लेकर हर वर्ष की तरह? आज का युवा बिगन गाँव का, खासतौर पर कहूँ तो जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में पूरा देश बनाता है या दूसरे देश बनाते हैं, परंतु बिकनगांव नगर एक रक्तदान दिवस के रूप में बनाता है। मैं युवाओं, यहाँ के जो युवा हैं आज भी इसको रक्तदान दिवस के रूप में बनाते हैं। आज वैलेंटाइन डे है और आज हमने रक्तदान किया है, बड़ी खुशी हो रही है। आप लोग भी सब आए बड़ी संख्या में और इस अवसर को जाने न दे। डिजियाना न्यूज़ निमाड़ रिपोर्ट, बीकन गांव।